सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग गैलेक्सी A50 में एक नया अपडेट आया था नवंबर का, तो उस अपडेट में इतना सारा बग्स है जो सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो मुझे बहुत सारे कमेंट किए यूट्यूब वीडियोस में, क्या इंस्टाग्राम में पूछा कि भाई इस अपडेट के बाद तो फ़ोन पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो नवंबर का अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A50 में आया हुआ है और अगर अभी तक आप लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी A50 को नवंबर के अपडेट के साथ अपडेट नहीं किया है तो आप लोग थोड़ा दिन यहाँ पर रुक जाइए कि जब तक सैमसंग इसका जो एक अच्छा अपडेट है नहीं देता तब तक आप लोग अपडेट मत कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A50 में एक अपडेट आने के बाद बहुत सारा बग्स हो रहा है और मेन जो बग्स हो रहा है ना वो हो रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि सैमसंग गैलेक्सी A50 में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है और ये अपडेट आने के बाद फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़राब हो चुका है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। कभी अगर आप नया फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो वो ठीक से लग नहीं रहा है। कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि लगभग 30-40% होने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो मुझे मेरे यूजर्स ने बताया जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन है, उन लोगों ने मुझे कमेंट किया। और आप लोगों को पता है कि सैमसंग का जो फिंगरप्रिंट का स्कैनर है इन डिस्प्ले, चाहे वो सैमसंग के A50 हो A50s हो, वो कंपेयर करो तो बाकी स्मार्टफोन से बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और इसी प्राइस कैटेगरी में और भी दूसरे स्मार्टफोन है उसमें काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं, लेकिन सैमसंग के स्मार्टफोन में काफ़ी स्लो यहाँ पर वर्क करता है, चाहे वो सैमसंग का A70s क्यों ना हो और A70 क्यों ना हो, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत और स्लो काम करता ही है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर इशू हुआ जो आप लोगों को फेस हो रहा है फिंगरप्रिंट का सेंसर में। तो इतना ही बोलूँगा कि अभी अगर आप लोग, अगर आपके फ़ोन में ये दिक्कत आ रहा है फिंगरप्रिंट का, तो आप लोग मत लगाइए, क्योंकि आपके फ़ोन में आपका जो पर्सनल डेटा है वो कोई और ना देख ले। अगर आप अपना स्मार्टफोन सिर्फ आप ही चलाते हैं तो आपके लिए तो बेनिफिट है, और नहीं तो आप पेटेंट या फिर पिन पासवर्ड ये सब ट्राई करके रखिए कुछ दिनों के लिए। सैमसंग में भी बहुत ही जल्द इसके लिए एक सॉल्व करके एक अपडेट देगा, तब आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, तब वो ठीक यहाँ पर हो जाएगा। तो जो लोग सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट किया तो बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी हो रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी तक नोटिस नहीं किए तो आप लोग एक बार नोटिस कीजिए कि ऐसा दिक्कत है या फिर नहीं है, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन लोगों के स्मार्टफोन में दिक्कत आया तो आप लोग एक काम कीजिए, थोड़े दिनों के लिए फिंगरप्रिंट का स्कैनर मत लगाइए, पिन पासवर्ड या फिर पेटेंट ट्राई कीजिए, उसके बाद जब सॉल्व वाला अपडेट दे देगा उसके बाद आप लोग अपडेट यहाँ पर कर लीजिएगा। तो जब इसका एक अच्छा स्टेबल अपडेट आ जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सैमसंग के जे सीरीज को लेकर। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सैमसंग के वो कौन से जे सीरीज के स्मार्टफोन हैं जिनमें आप लोगों को एंड्रॉयड 10 का और साथ में सैमसंग के One UI 2 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो के लिए आप लोग एक्साइटेड रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही जल्द आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनके भी इस रेंज के स्मार्टफोन में ये दिक्कत आ रहा है उनको बोलो कि थोड़ा दिन रुक जाओ, सैमसंग बहुत ही जल्द एक नया अपडेट देगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।